खरगोन जिले के खंडवा रोड स्थित घुघरिया खेड़ी के समीप गुरुवार दोपहर दूध के टैंकर और टवेरा वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों सहित 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। डॉक्टर दिव्य शर्मा ने बताया कि 4 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया है। घायलों के मुताबिक टवेरा सवार 13 लोग बड़वानी जिले से होकर खंडवा के पंधाना से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, जबकि दूध का टैंकर शहर के बुरहानपुर जा रहा था। टैंकर चालक एवं साथ में बैठा युवक भी घायल हुआ है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बड़वानी की तरफ से कोई टवेरा वाहन आ रहा था जिसमें कुछ यात्री सवार थे और इधर से दूध वाला टैंकर आ रहा है, तो उसके अपने घुघरिया खेड़ी के पास में इनकी आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें 12 लोग घायल हुए, जिसमें 4 गंभीर हैं और 2 लोग टैंकर के हैं, बाकी के 10 अपने टवेरा वाहन से हैं। 4 जो गंभीर हैं उनको अभी ट्रीटमेंट दे दिया है और उनको इंदौर रिफर करना पड़ेगा, बाकी सबके इलाज चालू कर दिया है और बाकी 8 लोग ठीक हैं। घुघरिया खेड़ी के पास में एक टवेरा गाड़ी जो बड़वानी तरफ से आ रही थी और उधर से एक दूध का टैंकर आ रहा था, उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें कि 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 टैंकर के थे, बाकी 10 अपने टवेरा के थे। उसमें से 12 में से 4 जो घायल हैं वो थोड़े गंभीर हैं और बाकी सभी का इलाज चालू कर दिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट सबको दे दिया है, पट्टी वगैरह कर दी, जिनको टाका लगाना था टाका लगा दिया है और जो 4 गंभीर उनकी स्थिति देखते हुए उनको इंदौर रिफर करना पड़ेगा। क्या नाम सर आप? डॉक्टर दिवेश वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।